कि 2024 का जो चुनाव है, अगर ये चुनाव ईवीएम से हुआ उसके बाद कुछ बचना नहीं। इसलिए ईवीएम की लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है, और अगर मैं कहूं इस देश में आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई यही है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिनको अभी डॉक्टर साहब ने एक संरक्षक के रूप में रहने का प्रस्ताव किया है, अच्छी बात है। तो मेरा एक निवेदन है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही मजबूत और वरिष्ठ नेता, मुझे सौभाग्य कि उनके सामने ही कहने का मौका मिला है। ये तीन राज्यों की हार जिसके बाद आपने ईवीएम पर सवाल शुरू किए हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी इकट्ठी होकर इस आंदोलन को लड़ती क्यों नहीं है, लीड क्यों नहीं करती है? राहुल जी चुप क्यों बैठे हैं? राहुल जी से आप कहिए उनको, और फिर आप इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं जिसमें 27 पार्टी है। हम तो 5 साल से मिलने का प्रयास कर रहे हैं राहुल जी से, उन्होंने तो मिलने का मौका नहीं दिया। पिछले 4 महीने से सोनिया जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, खड़गे साहब से, वो भी मिलने का मौका नहीं दे रहे। आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि हम मिलवाएंगे, अच्छी बात है आप मिलवाओ। मिलने से सिंपल इतना ही है कि आप अगर मैदान में आएंगे तो पब्लिक का विश्वास बढ़ेगा, और पब्लिक का विश्वास बढ़ेगा तो उसके अंदर से डर निकलेगा, वो एकदम सड़क पर आएगी, बाकी हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन आप आइए सामने, अगर आप बैठे रहेंगे और कहते रहेंगे कि कोई आदमी निकल के आ जाए वही करने लगे, मैं समझता हूं उससे बात नहीं बनेगी। फिर तो इस देश की बर्बादी में आप भी जिम्मेदार होंगे। मैं आपके मुंह पर ही कह रहा हूं ये सारी बात। कांग्रेस पार्टी ये ना समझे, या इंडिया गठबंधन की पार्टियां ये ना समझे कि वो इस देश की बर्बादी की जिम्मेदार नहीं होंगी। होंगी अगर ईवीएम को नहीं, तो आप सब लीड कीजिए ना आके, हम सब आपके साथ में है। हम तो ऑलरेडी 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आंदोलन को शुरू कर चुके हैं। लगातार पूरे देश से लोगों के फोन आ रहे हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, पूरी ताकत से हम साथ रहेंगे। पर मेरा निवेदन यही है कि आप अपनी पार्टी के लोगों से कहिए, माननीय खड़गे साहब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल जी लीडर हैं, सोनिया जी लीडर हैं, सब लोग पूरा इंडिया गठबंधन के शामिल होकर इसको लीड कीजिए। बस मेरा इतना ही निवेदन है।